अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कुकिंग विद बाजी खालदा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजे की आसान रेसिपी लेके आई हूँ रेड किडनी बीन्स की, जिसको मोठी भी बोलते हैं, राजमा भी बोलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड खाई जाती है, पसंद की जाती है, बहुत ही लजीज है हर एक की और बहुत ही लजीज बनती है ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मैं इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ। हमारी फैमिली में इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। रेड किडनी बीन्स बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, ये मैंने ड्राई लाल लोबिया रखा है, जो कि मैंने इसको 2-3 घंटे पहले से सोक करके रख दिया था। ये मैंने सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ पे रखा है। मैं 1 किलो दाल के साथ रेसिपी बना रही हूँ, तो ये थोड़ा सा सैंपल के लिए मैंने ड्राई रखे हैं। लेकिन अगर आप इनको रात को सोक करके रख दें, ओवरनाइट सोक्ड किए हुए जल्दी बनेंगे। तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, इंस्टेंट पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप नॉर्मल आज नॉर्मल तरीके से, जो कि 2-3 घंटे पहले से भिगो के रखे थे, नॉर्मल पतीली में बना रही हूँ। ताकि क्योंकि कुछ लोगों के पास इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर वगैरह की सहूलत मुयसर नहीं होती, तो वो आसानी से घर में इसको बना लें। तो जो जैसा कि आपको मालूम है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर वाले मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए। दालें तो वैसे सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये ज़रूर हफ्ते में तकरीबन 1-2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 2 प्याज लिए हैं, 3-4 टमाटर चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त 2 हैं, तो मैं साथ ये 1 टिंस शामिल करूंगी। लहसुन इसमें ज्यादा जाएगा, आधा मैं इसको दाल को गलाने के लिए अभी डालूंगी, जो कि सोख करके रखी हुई थी, अभी मैं बताती हूँ। तो जिंजर लिया मैंने तकरीबन 3 इंच का पीस है ये, 3-4 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, लेमन चाहिए होगा, ये आपकी अपनी मर्जी है अगर आपने बाद में इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अंदर डालने के लिए मैंने लिया है मैं इमली का पल्प। तो अगर आप इमली का पल्प नहीं डालना चाहते, तो आप इसकी क्वांटिटी टमाटर्स की बढ़ा सकते हैं। तो इमली का पल्प, जो कि ड्राई इमली को आप सो करके रख लें 3-4 घंटे के बाद, या अच्छी तरह से मसल के इसका पल्प निकाल लें, या बना बनाया भी पल्प कई जगह से मिल जाता है, नहीं तो ओवरनाइट सोक करें ड्राई इमली को, तो वो भी बहुत अच्छा सा पल्प तैयार हो जाता है। तो गार्लिक ये मैंने 2 पोथी ली है जो ड्राई थी, तो अब ये 2 फुल गट्ठी हैं लहसुन की, तो 1 मैं अभी डाल दूंगी इसमें दाल को गलाने के वक्त, और बाकी मसाले जब मसाला भुनेंगे, ये सारी चीज़ें मसाला भूनते वक्त शामिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नॉर्मल लाल मिर्च। तो मेथी इसमें, कसूरी मेथी मैं एंड में मसाले में डालूंगी, जो कि एक बहुत ही टिप है आप लोगों के लिए, क्योंकि कसूरी मेथी का जब मैं हाथ से रब करके मसाले में डालूंगी, तो जितना भी अगर आपने थोड़ा ऑयल या बटर या घी किसी भी रेसिपी में डाला होगा, तो वो अंदर उसमें जज्ब नहीं होगा, तो वो ऊपर उसकी वो तरी आ जाएगी सालन के ऊपर। तो ये कसूरी मेथी डालने से एक तो फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी चीज में डालने से, और दूसरा ये है कि थोड़ी सी भी कसूरी मेथी ऐड करने से वो उसकी जो है ग्रेवी में लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये हैं चीजें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को। दाल को डबल पानी डाल के मैंने गलने के लिए रख दिया नॉर्मल पानी में। दाल को अच्छी तरह से धो के 3-4 घंटे भिगो दें, अगर ओवरनाइट भिगो दें तो तब भी अच्छी तरह से फूल जाती है। तो मेरी 2-3 घंटे से भिगी हुई थी, जो कि फूल चुकी थी, तो अब इसमें आधा लहसुन में शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि ये बादी होती है। तो अब मैंने ये डाल दिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इसको छोड़ देते हैं तकरीबन मीडियम हीट के ऊपर, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। अगर आपका पानी खुश्क हो जाता है, तो आप इसमें गर्म पानी दोबारा शामिल कर सकते हैं, अगर आपको अंदाजा नहीं है कि कितना पानी डालना है। वरना अगर इससे तकरीबन 2-3 इंच तक पानी ऊपर होना चाहिए, जितनी आपकी दाल है, पानी डालने के बाद आपका 2-3 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी इसी तरह पकने के लिए, तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। इसको अच्छी तरह से गलने में, ये देखो ऐसे मैश करें, तो बिल्कुल अंदर से वाइट पार्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से वो बिल्कुल हाथ से ऐसे ही दबाने से ही बस अच्छी तरह से ये मुश हो जाती है ये। तो ये इसमें बिल्कुल सख्तपन खत्म हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको मैंने निकाल लिया, इसको गलने में 1.5 घंटा लगा, क्योंकि हमारी दाल भी ज्यादा थी
अगर आपने हाफ रेसिपी बनानी है कोई तो फिर ज़ाहिर है आपका टाइम शायद हो सकता है थोड़ा लगे। तो दाल अच्छी तरह से गल चुकी है लहसुन और नमक के साथ, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको भूनने का अमल कि मसाला कैसे बनाना है। तो मैंने एक कप ऑयल डाला है, चूल्हा ऑन किया, एक कप ऑयल डाल दिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक घी या बटर जिस चीज़ में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये मैंने जो अनियन काट के रख ली है, अब ये गर्म हुआ है ऑयल, तो फिर इसमें हम डालते हैं। मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद ही। तो पानी का छींटा लगाएंगे, तो फिर साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। नमक के साथ डाल दूंगी नमक को, प्याज जरा गल जाएगा, ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद प्याज रखने से ना फिर वो जो है तो अच्छी तरह से गलता नहीं है, थोड़ा सा सही सारा गोल्डन हो जाए तो फिर उसमें ज़रा सा पानी डाल के उसको सॉफ्ट कर लें, तो फिर उसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ वो डाल देना है। लहसुन पहले भी डाला था दाल के साथ, अब लहसुन अदरक हमने इसमें भी शामिल कर दिए। आप इसको 3-4 मिनट मैं भूनूंगी, फिर मिलते हैं। अच्छी तरह से भून चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने सारे मसाले डालूंगी, ये नमक चला गया और ये सूखा धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला जो है मैं एंड बया शामिल करूँगी और ये हरी मिर्चें भी साथ ही डाल दूँगी। इनको भून लेंगे अच्छी तरह से, इनको अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक भूनूंगी, फिर मैं इसके साथ टमाटर शामिल करूँगी जिसको मसाले को, ये सारे मसाले 2 मिनट तक इसमें अच्छी तरह से भून जाए, फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगा। स्पाइसी के साथ अच्छी तरह से भून चुका है, जो ऑयल है वो अलहदा हो चुका है मसाले से, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसके साथ हम हमारे जो टमाटर की वो जो बनाई थी वो मैं डाल दूंगी। अब इसको 4-5 मिनट तक मसाले के साथ हमने अच्छी तरह से भूनना ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और अपना ऑयल छोड़ दे, तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, ये सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं ये कसूरी मिर्ची है इसको हाथ से ऐसे मल के तो ब्रश करके डाल दूँगी। एक तो कसूरी मिर्ची से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, दूसरा ये है कि इसका जो ऑयल वगैरह या घी आपने डाला है वो बिल्कुल अंदर जज्ब नहीं होता, वो सेपरेट आपको लुक अच्छी देगा। अब इसको थोड़ी देर भून लेते हैं 2-3 मिनट तक, तो इसके साथ ही मैं 1/4 टीस्पून हींग की डालूंगी, एस्ट्रोफिटीरिया जो होती है हींग डालूंगी, इससे इसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, टेस्ट में भी इजाफा होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है कि अगर आप अदरक लहसुन कम डालें या कुछ तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने तो ज़्यादा वो भी डाला है ये भी डाला है, लेकिन ये है कि इससे आपको कोई पेट दर्द वगैरह या कोई और भी नुकसान दाल नहीं पहुँचाएगी, इसलिए मैंने हींग भी डाल दिया थोड़ी सी सेफ साइड के लिए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता दाल को शामिल करेंगे, दाल को भून के जो इसका ग्रेवी में पानी है फिर वो भी शामिल करके, अगर आपका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इस वक्त ऐड कर सकते हैं। जब दाल भून जाए तो आपको जितना इसको पतला रखना है या ठीक रखना है उसके हिसाब से आप ग्रेवी में पानी उबला हुआ डाल सकते हैं। तो अभी मैं शामिल करूँगी इसमें दाल, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और जो घर वाले हैं उनका भी ख्याल रखें, छींटे अपने ऊपर भी पड़ने ना दें। ये दाल पड़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं देखा इसलिए नज़दीक ले आई हूँ ताकि छींटे भी ना पड़े और आराम आराम से ये उठा के सारी दाल मैंने इसमें डाल देनी है।
तो पहले दाल को भून लूंगी, फिर जो है पानी इसमें यही वाला पानी शामिल कर दूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो शायद आधा कप या कुछ डाल दूंगी पानी उबला हुआ, लेकिन शायद ना ज़रूरत पड़े। लेकिन इसमें आप जो नज़र आ रहा है आपको, ये लहसुन के जवे साबुत, ये अभी इसको दाल के साथ मैं भून लूंगी। ये गले भी अच्छी तरह से लहसुन के जवे, तो इनको मैं भून लूंगी इसके साथ ही दाल के, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जूस के बगैर मैं दाल को इसमें शामिल कर रही हूँ, तो ये दाल को पहले भून लूँगी 4-5 मिनट, तो फिर उसमें इसका जो है शोरबा वो भी शामिल कर देते हैं। उबाल आ चुका, अब इसको मैं सिमर के ऊपर तकरीबन 15-20 मिनट तक छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। तो अच्छी तरह से भून के वो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था, जो इसी का शोरबा था, तो आधा कप पानी का मैंने और शामिल कर दिया, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए चावलों के साथ। तो अब इसको मैं हल्की आँच पर 20 मिनट तक छोड़ दूँगी, और एंड पे जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो उसमें मैं इमली का पल्प और ये शामिल कर दूंगी। इमली का पल्प अभी ये उबाल अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर मैं शामिल करती हूँ। तो गरम मसाला जो है डिश आउट करने के बाद मैं इसमें डालूंगी। तो मिलते हैं रेड किडनी बीन्स के साथ। मैं चावल बॉयल करने जा रही हूँ, जो कि मैं दाल को चावलों के साथ सर्व करूंगी। तो मैंने कहा मैं आपको भी तरीका बता दूंगी मैं कैसे चावल बॉयल करती हूँ। ये बासमती राइस नॉर्मल वाले मैंने लिए हैं, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, लेकिन ये मैंने थोड़े से रखे हैं सैंपल के लिए। मैंने अपने चावल जो मैंने बनाने हैं मैंने वॉश करके रख दिए हैं, 6-8 पानी अच्छी तरह से धो के उनको पानी में भिगो दिया है 1 घंटा पहले। तो उसमें मैं शामिल करूंगी नमक टेस्ट के मुताबिक, तो जीरा, सफ़ेद जीरा 3-4 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी दालचीनी और जीरा बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। एक तो सफ़ेद चावलों का जो है तो बिल्कुल वो उबला हुआ टेस्ट नहीं आता, अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर ग्रीन इलायची शामिल करना चाहते हैं तो उससे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आज मैं ग्रीन इलायची नहीं शामिल कर रही, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, लेकिन सब्ज़ इलायची डालने से भी चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये है मेरा 2 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये मैं पानी उबलते वक्त साथ शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका लिया है, वाइट विनीगर, जो कि मैं पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया, उसी में अभी मैं आपके सामने शामिल करती हूँ चावल उबलने के लिए रख दिया, जो कि चावलों से 2 गुना ज्यादा है, तो जिस पर कि अच्छी तरह से चावल भीग जाए और उबल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि हमने उनको ड्रेन भी करना है। तो ये मैं उसमें अब साथ ही नमक शामिल कर दूंगी, ऑयल 2 टेबल स्पून है क्योंकि 1 किलो चावल है, तो ये साथ ही सफेद सिरका भी, और ये जीरा और दालचीनी के टुकड़े। अगर आपने सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करना है तो सब्ज़ इलायची भी इस वक्त आप शामिल कर दें, 2-4 उबाल आएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल आता है पानी में। तो जब ये पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा मैं अपने धुले हुए चावल इसमें डाल दूंगी। इसमें मैंने 3 अदद इलायची भी खोल के डाल दी है, क्योंकि इलायची के बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने 3 इलायचियाँ सब्ज़ खोल के वो भी डाल दी। तो चावल भी हमारे अच्छी तरह से धुले हुए, इसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लिया, पानी का छींटा ना पड़े। हेल्थ एंड सेफ्टी को जरूर ध्यान में रखा करें, अपने आप को भी सेफ रखें, कोई बच्चे वगैरह इर्द गिर्द हों उनके ऊपर भी कोई छींटा वगैरह ना पड़े। ये सारे चावल डाल के तो फिर मैं इसको उबलने का इंतजार करती हूँ। पानी तो उबला हुआ है, बस ये अच्छी तरह से चावल उबल जाएंगे तो फिर मैं चेक करूँगी, तो फिर उनको दम देते हैं। अब इसको एक बार सिर्फ चम्मच चला दें, बस अब इसको छोड़ देंगे चम्मच चला, बस अब इसको चेक करते हैं 5 मिनट के बाद के, जब ये चावल गल जाएंगे तो फिर अब मैं चेक करती हूँ। उनको आप ट्रेन करूँगी, ये चावल चुके हैं उनको ड्रेन करके, और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, जीरा थोड़ा सा डाला और हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी अगर कोई आपके पास मेहमान वगैरह आए हैं तो एक्स्ट्रा आपने तड़का वगैरह लगाया दाल के लिए मैंने बनाया, तो इसके साथ आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा वगैरह अच्छी हो जाती है और खुशबू भी ज़्यादा। इसका तड़का हमने लगा दिया थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च कटी हुई। चावल आप ड्रेन कर लिए तो अच्छी तरह से इनको ड्रेन करके फिर मैं देखचे में शामिल करती हूँ। चावल हमारे अच्छी तरह से ड्रेन हो चुके हैं,
ये दालचीनी के टुकड़े वगैरह जो पहले मैंने डाले थे मैंने निकाल लिए हैं इसमें से, ये ऐसे तो बाद में भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह भी निकाल लो तो अच्छी बात है। इनको हिला के एक दफ़ा ऐसे, तो अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दम पे के लिए। तो अब इसको ढक्कन लगाते हैं और चूल्हे के करते हैं सिमर, और मैं ये रखती हूँ फ्लेम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारी तरफ। तो ये मैंने इसको चूल्हे को रख दिया, सिर्फ 8-10 मिनट के बाद इसको खोलते हैं तो सर्व करते हैं। हम तो चेक कर लेते हैं बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी तरह हो चुके हैं। अब इनको चूल्हे को करते हैं बंद, तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारे चावल कैसे बने हैं। ये खिले खिले क्योंकि विनीगर डाला था, विनीगर से एक एक दाना अलहदा अलहदा हो जाता है। तो ये दाल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये कैसी बनी है, ये इस तरह से बिल्कुल साबुत दाना नहीं है, स्मैश हुए हुए दाने हैं। तो इस तरह इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। तो हमारी फैमिली को तो ये बहुत पसंद है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। परफेक्ट बने माशाल्लाह जबरदस्त, नमक मिर्च हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, दाल में दाल भी अच्छी तरह से गली हुई है। बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये जो रेड किडनी बीन्स की है, तो इसको कुछ लोग मोटी बोलते हैं, कुछ पोठी कहते हैं, कुछ लाल लोबिया कहते हैं, राजमा भी बोलते हैं इसकी बहुत सारे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये खाई जाती है, पसंद की जाती है, सैलड में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, इसको सैलड में इस्तेमाल करें, वीक में 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी रेसिपी बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। तो एक बहुत जल्द लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।